और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं ये कहा धर्मेंद्र प्रधान ने। साथ ही कहा कि छात्रों का भविष्य हमारी प्राथमिकता है, एनटीए को एरर फ्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सत्यमेव जयते, फाइनली ट्रूथ प्रिवेल्स, सच का विजय हुआ है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसला का स्वागत करते हैं। हमने शुरू से ही कहा है हमारी प्राथमिकता देश की स्टूडेंट्स है, देश की विद्यार्थी है, उनकी भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनकी हितों को हानि ना हो पाए, ये सरकार की प्राथमिकता रही है। आज सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल जजमेंट देते हुए उसी बात को सबसे ऊपर रखा है। मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करता हूँ।